महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री, आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपके ऊपर में पितृदोष लग जाए, पितर की अगर दोष लग जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जिंदगी तबाह तबाह हो जाता है। आप किसी भी चीज में आप सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, परेशानियों आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पितृदोष है क्या, क्या किसी का पिता की मृत्यु होने के बाद वो दोष आप पर लग जाता है, क्या आपके बाप दादा के परदादा का जो दोष है वो क्या आपके ऊपर लग जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आखिर पितर दोष है क्या, पितृदोष है क्या, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे, आप मेरे वीडियो में नए आए होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके काला कर दे और बगल में बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरे वीडियो सर्वप्रथम आपके बीच पहुंच सके। तो आइए, पितृदोष है क्या, इस दोष का से आपको छुटकारा कैसे मिलेगी, इसकी प्रकोप से आप कैसे बच सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने ताकि आपकी सफलता हो, आपकी फायदा हो। कुंडली में अगर आपकी कुंडली के आपके किसी भी घर में अगर सूर्य और राहु दोनों का युक्ति होकर अगर बैठ जाता है, तो आपको उस घर से संबंधित क्षति पहुंचाता है। जैसे आपकी राहु और सूर्य जो होता है वो पितृ ग्रह होता है। आप पितृ ग्रह पर जो पाप ग्रह राहु जो है उसकी साथ में अगर युक्त हो जाता है, तो उसी को जो है हम लोग जो है पितृदोष कहते हैं, मतलब पितर पर दोष लग गया है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको तरह तरह का उपाय करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका जिंदगी हमेशा अंधकार में हो जाएगा। आप देखते होंगे कि आप पूरी तरह से पूरा जीवन को संघर्ष करके आप बिता दिए, लेकिन आप जहां का वही है, लेकिन आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जबकि मेहनत काफ़ी किए हैं, दिमाग बहुत लगाया, उसके बावजूद भी रिजल्ट जीरो। तो यानी आपके ऊपर में पितृदोष का प्रकोप है। आपको पितृदोष अगर धन भाव में कुंडली में रहेगा तो धन को बर्बाद करेगा, स्वास्थ्य के भाव में रहेगा तो आपको स्वास्थ्य को बर्बाद करेगा, अगर भाग्य स्थान में आपको सूर्य बुध राहु रहेगा तो वो भाग्य स्थान को चौपट करेगा, और कर्म स्थान पर भी अगर सूर्य राहु बैठेगा तो पितृदोष के आधार पर आपका जो है पूरी तरह से आपका जिंदगी और आपके कर्म क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। लेकिन आइए, उसके उपाय क्या है। आप बहुत नजदीक देख रहे हैं, चैत नवरात्रा भी आने वाले हैं, और अभी चैत का कृष्ण पक्ष चल रहा है, और आने वाला 24 तारीख को आपको अमावस्या के दिन है। इसी अमावस्या के दिन में आपको पूरी तरह से आपको बाल दाढ़ी बना करके, आपको पूरी तरह से शुद्ध हो करके, किसी भी नदी के किनारे में एक पीपल का पत्ता, एक केले का पत्ता लीजिएगा, केला के पत्ता के ऊपर में पीपल पत्ता, उसमें चरोठा, उसमें आपको पूरी तरह से चरोठा मीठा मीठा चीज, और आपको पान सुपारी मौली धागा काला तिल जौ, ये सारे चीज को दे करके आप अपना पितर को स्मरण ध्यान करते हुए इसे आप बहता पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। और करने के बाद आप उधर से जब लौटिएगा तो आप एक सीधा बनाइएगा, सीधा का मतलब एक पत्तल लीजिएगा, पत्तल में आपको हरा सब्जी, आपको चावल दाल आटा मैदा तेल, ये सारे चीज उसमें आप पसोड़ दीजिएगा, और उसमें सजा करके आप किसी भी गरीब ब्राह्मण के घर में इसे आप दान कर दीजिएगा। तो ये क्रिया करने से ही आपको पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। ये अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा, और करने के बाद दूसरा दिन देवी पद शुरू हो जाएगा और माता का जो है नवरात्रा का शुरू हो जाएगा, और उसमें जो है आप माता की आराधना कीजिए, आपको निश्चित जो है पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको उन्नति में आपको
दिक्कत नहीं आएगी और हर तरह का चीज में आपको सफलता मिलेगा। मैं यही कामना के साथ में आपको इस वीडियो बताया हूं, इसे आप जरूर फॉलो कीजिए, जरूर अपना जीवन में उतारिए तो आपका लाभ होगा। मैं यही माता रानी से प्रार्थना करता हूं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा।